दरअसल मुंबई पुलिस को एक मैसेज मिला है और ये मैसेज मिला है जिसमें धमकी भरा मैसेज दिया गया है और इसके साथ ही साथ सर तन से जुदा करने को लेकर भी इस मैसेज में जिक्र किया गया है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान से ये नंबर आया जिसकी जांच में अब मुंबई पुलिस लग चुकी है। तो देखिए मुंबई में जो ये मैसेज मिला ट्रैफिक पुलिस यानी कि वहां पर ये बताया गया कि हम कोई धमकी नहीं दे रहे हैं, इसको हकीकत में अंजाम भी हम देने वाले हैं। धमकी भरे मैसेज में ये तक जिक्र किया कि 26/11 हमले जैसे आतंकी घटना के लिए आप तैयार रहिए और ये वाकई में धरातल पर हम उतार के दिखाएंगे, कुछ भारतीय इसमें शामिल होंगे। धमकी में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया। ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं कि आखिर इस पूरे धमकी भरे पत्र में क्या क्या लिखा गया। एक बार तस्वीरें भी आप देखिए, तो देखिए क्या लिखा गया मैसेज में। ये मैसेज आप देख सकते हैं, व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज ये भेजा गया है और मुंबई को उड़ाने की धमकी दी गई है और इसी पूरे मामले को लेकर मुंबई पुलिस कमिश्नर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, सुन लेते हैं पहले। काल साधारण 12:15 च्या सुमारास मुंबई ट्रैफिक पुलिस की जी ट्रैफिक कंट्रोल रूम है त्याच्या मोबाइल वरती काही मेसेजेस आले आणि ते दहशतवाद संबंधी मेसेजेस होते, टेरर रिलेटेड मेसेजेस। त्यामध्ये मुंबईला 26/11 प्रमाणे उडवण्याची धमकी, त्याचप्रमाणे अजमल कसाब, अल जवाहरी या सगळ्या गोष्टींचा देखील उल्लेख होता। त्याशिवाय त्यांनी काही साथीदार भारतामध्येच त्याच्यासोबत काम करत आहेत असा देखील उल्लेख केलेला आहे आणि सदरचा मेसेज ज्या नंबरवरनं जो नंबर दिसतो तो सकृत दर्शनी पाकिस्तानचा कोड आहे असं दिसतं। तो चलिए जल्दी से आपको दिखा देते हैं कि आखिर क्या क्या जिक्र किया गया इस धमकी भरे मैसेज में, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो आपने सुन ली है। लेटर में जिन बातों का जिक्र किया गया, आतंकी हमले की साजिश मुंबई में 26/11 जैसे हमले की धमकी दी गई है, लेकिन कौन है इस धमकी के पीछे ये भी आपको बताएंगे। नहीं तो बिल्कुल शुरुआती बात तो ये पता चल रही है कि जो नंबर है वो पाकिस्तानी नंबर है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने अंदेशा जताया है कि पाकिस्तानी नंबर से ये मैसेज किया गया है और अब इसकी जांच की जा रही है और खंगाला जा रहा है कि आखिर नंबर एग्जैक्ट आया कहां से है और कहां से ये धमकी दी गई है। लोकेशन भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को ये धमकी भरा मैसेज मिला था, मुंबई की ट्रैफिक पुलिस को यह धमकी मिली है, ट्रैफिक कंट्रोल के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी आई। आखिर व्हाट्सएप नंबर कैसे उन आतंकियों तक पहुंचा और कैसे उन्होंने मैसेज भेजा, इसकी भी जांच अब की जा रही है। इसके साथ ही साथ देखिए क्या लिखा गया मैसेज में। जी मुबारक हो, मुंबई में हमला होने वाला है, यह हमला 26/11 की नई ताजी यादें भी दिलाएगा, इसीलिए मुंबई पुलिस पूरी तरह से सख्त है इस मामले को लेकर। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर मैसेज में अजमल कसाब का भी जिक्र किया गया है और सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन है जिसने ये कहा है कि नई यादें ताजा हो जाएगी 26/11 की। शुभम पांडे इस वक्त मेरे सहयोगी सीधे तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम इस पूरे मामले को लेकर जानकारी लेंगे। शुभम, अभी हमने पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी जिसमें कई बड़ी बातें उनकी तरफ से कही गई है, लेकिन अभी तक जांच में कुछ पता चल पाया है नंबर कहाँ से आया, क्योंकि अंदेशा पाकिस्तानी नंबर का जताया गया है। बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर पहले मुंबई पुलिस के कमिश्नर विवेक पंसवनकर जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के साफ तौर पर मुंबई वासियों को ये जो है आश्वासन दिया है कि जब तक मुंबई पुलिस है तब तक मुंबई वासियों को कुछ नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि मुंबई के बरली पुलिस स्टेशन में इस मामले के खिलाफ जो है FIR दर्ज हो गई है और अज्ञात मामले की जो है इसकी जाँच शुरू कर दी है। इस तरीके से उन्होंने ये भी जिक्र किया कि 6 इंडियन नंबर जो है उस मैसेज में दिए गए हैं, इसकी भी हम लोकेशन जांच कर रहे हैं कि ये जो मैसेज है इसमें जिक्र किया है कि इंडियन लोग भी शामिल है, कुछ भारत के लोग शामिल है मुंबई की उड़ाने के लिए, मुंबई की दराने के लिए, और ये ट्रेस किया जा रहा है कि क्या वाकई में किसी आतंकवादी ने ये मैसेज भेजा है, क्या किसी ने जो है बच्चे ने व्यक्ति ने इसको मैसेज किया है। इस मामले की जांच जो है मुंबई पुलिस कर रही है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर पंसवनकर ने कहा है कि आप हम लोग पहले से ही अलर्ट है और सुरक्षा के इंतजाम है और भी 4 चौकस कर दिए गए ताकि कोई प्रकार की घटना जो है मुंबई शहर में न घट सके। चलिए शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए।